हेलो हेलो दोस्तों, दोस्तों, कैसे हैं कैसे हैं आप आप लोग। लोग। आज आज मैं मैं आपके आपके सामने सामने लेकर लेकर आया आया हूं हूं कि कि आप आप अगर अगर मल्टी मल्टी वेंडर वेंडर की की वेबसाइट वेबसाइट बनवाना बनवाना चाहते चाहते हैं हैं विद विद इजी इजी स्टेप स्टेप के के साथ। साथ। मैं मैं आपको आपको आज आज फुल फुल गाइड गाइड बताऊंगा बताऊंगा जो जो आप आप किस किस तरीके तरीके से से बिल्कुल बिल्कुल इजी इजी स्टेप स्टेप के के साथ साथ मोबाइल मोबाइल ऐप ऐप बना बना सकते सकते हैं, हैं, बनवा बनवा सकते सकते हैं। हैं। और और एक एक ही ही एडमिन एडमिन पैनल पैनल होगा, होगा, तीन तीन जगह जगह काम काम करेगा, करेगा, वेबसाइट, वेबसाइट, एंड्रॉयड, एंड्रॉयड, आईएसओ। आईएसओ। जी जी हाँ, हाँ, आपने आपने सही सही सुना सुना है। है। एक एक ही ही एडमिन एडमिन पैनल पैनल रहेगा रहेगा और और उसमें उसमें तीन तीन जगह जगह काम काम करेगा, करेगा, वेबसाइट, वेबसाइट, एंड्रॉयड, एंड्रॉयड, आईएसओ, आईएसओ, साथ 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 डिलीवरी डिलीवरी बॉय बॉय एप्लीकेशन एप्लीकेशन भी। भी। यानी यानी आप आप ग्रोसरी ग्रोसरी के के स्टार्ट स्टार्ट करना करना चाह चाह रहे रहे हैं, हैं, आप आप क्लॉथ क्लॉथ के के लिए लिए स्टार्ट स्टार्ट करना करना चाह चाह रहे रहे हैं, हैं, या या जिस जिस भी भी कैटेगरी कैटेगरी के के लिए लिए स्टार्ट स्टार्ट करना करना चाह चाह रहे रहे हैं, हैं, सब सब पॉसिबल पॉसिबल है। है। तो तो मैं मैं बिला बिला ताखिर ताखिर इसमें इसमें क्या क्या फीचर्स फीचर्स होगा होगा नहीं नहीं होगा होगा इन इन सारे सारे चीजों चीजों से से हट हट के के मैं मैं सबसे सबसे पहले पहले चलता चलता हूँ हूँ और और देखता देखता हूँ हूँ कि कि वो वो ऐप ऐप किस किस तरीके तरीके से से होगा, होगा, कैसे कैसे होगा, होगा, किस किस तरीके तरीके से से काम काम करेगा। करेगा। क्योंकि क्योंकि आज आज के के डेट डेट में में सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा जो जो यूजर यूजर हैं हैं वो वो मोबाइल मोबाइल ऐप ऐप यूजर यूजर हैं। हैं। जी जी हाँ, हाँ, वेबसाइट वेबसाइट के के मुकाबले मुकाबले में में अराउंड अराउंड मोबाइल मोबाइल में में लोग लोग 70%70% लोग लोग यूज यूज करते करते हैं। हैं। लॉकडाउन लॉकडाउन के के पीरियड पीरियड में, में, जिस जिस लॉकडाउन लॉकडाउन के के बारे बारे में में कहा कहा गया, गया, स्टे स्टे होम, होम, स्टे स्टे सेफ, सेफ, यानी यानी आप आप घर घर पे पे बैठे बैठे रहेंगे रहेंगे तो तो आप आप बिल्कुल बिल्कुल सेफ सेफ रहेंगे। रहेंगे। जी जी हाँ, हाँ, अगर अगर आप आप इस इस दौरान दौरान भी भी आप आप चाहते चाहते हैं हैं कि कि आप आप अपना अपना ऑनलाइन ऑनलाइन बिजनेस बिजनेस स्टार्ट स्टार्ट करें, करें, तो तो इसके इसके लिए लिए कैपिटल कैपिटल टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी आपको आपको जबरदस्त जबरदस्त ऑफर ऑफर दे दे रहा रहा है है कि कि यहाँ यहाँ पे पे आपको आपको ऑनलाइन ऑनलाइन बिजनेस बिजनेस स्टार्ट स्टार्ट करने करने के के लिए लिए सारी सारी चीजें चीजें A to Z A to Z अवेलेबल अवेलेबल है। है। ठीक, ठीक, अब अब बिजनेस बिजनेस सेटअप सेटअप करने करने से से लेकर लेकर प्रोमोशन प्रोमोशन करने करने तक, तक, फिर फिर देर देर किस किस बात बात की, की, आज आज ही ही बुक बुक कीजिए कीजिए और और पहले पहले आइए, आइए, पहले पहले पाइएगा, पाइएगा, हिस्सा हिस्सा बनिए। बनिए। जी, जी, तो तो ये ये वो वो एप्लीकेशन एप्लीकेशन है है जो जो लुक लुक लाइक लाइक जैसे जैसे एक एक आपका आपका अलीबाबा अलीबाबा है, है, B2B B2B का का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है, है, होलसेल होलसेल टू टू होलसेल होलसेल का का सेलिंग सेलिंग है, है, सेम सेम इस इस तरह तरह का का B2B B2B का का भी भी कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है है और और B2C B2C का का भी भी कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है। है। मैंने मैंने इससे इससे पहले पहले के के एक एक वीडियो वीडियो में में बना बना चुका चुका हूँ हूँ B2B B2B एंड एंड B2C B2C का का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्या क्या अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग, ये ये ऑलरेडी ऑलरेडी मैं मैं बना बना चुका चुका हूँ हूँ जो जो आप आप किस किस तरीके तरीके से से बना बना सकते सकते हैं, हैं, लेकिन लेकिन आज आज मैं मैं वही वही चीजें चीजें यहाँ यहाँ पे पे आपको आपको फुल फुल डिटेल डिटेल से से बताने बताने वाला वाला हूँ हूँ कि कि किस किस तरीके तरीके से से B2B B2B एंड एंड B2C B2C दोनों दोनों चीजें चीजें एक एक साथ साथ कर कर सकते सकते हैं, हैं, पॉसिबल पॉसिबल है। है। आपको आपको जो जो चाहे चाहे उस उस तरह तरह का का काम काम करना करना चाहें, चाहें, कोई कोई दिक्कत दिक्कत नहीं नहीं है। है। और और एक एक अच्छी अच्छी बात बात और और खास खास बात बात ये ये है है कि कि आपका आपका जो जो यहाँ यहाँ पे पे सर्चेबल सर्चेबल जो जो बटन बटन है, है, वो वो सर्चेबल सर्चेबल बटन बटन आप आप यहाँ यहाँ पे पे एग्जैक्ट एग्जैक्ट सर्च सर्च के के साथ साथ भी भी काम काम कर कर सकते सकते हैं। हैं। कोई कोई भी भी आप आप तीन तीन वर्ड वर्ड चार चार वर्ड वर्ड डालें, डालें, अगर अगर उस उस वर्ड वर्ड से से रिलेटेड रिलेटेड कोई कोई प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स है है तो तो उससे उससे रिलेटेड रिलेटेड आपका आपका प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स यहाँ यहाँ पे पे आ आ जाएगा, जाएगा, दिख दिख जाएगा। जाएगा। ठीक ठीक है, है, इसके इसके साथ 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 आपका आपका यहाँ यहाँ पे पे ये ये जो जो इमेज इमेज है, है, कोई कोई अगर अगर आप आप डायरेक्ट डायरेक्ट इमेज इमेज के के साथ साथ करना करना चाह चाह रहे रहे हैं, हैं, देखिए देखिए कितना कितना खूबसूरत खूबसूरत सा सा दिख दिख रहा रहा है। है। इजेक्ट इजेक्ट सर्च सर्च है, है, ऐसा ऐसा सिस्टम सिस्टम है है किसी किसी को को कोई कोई प्रोडक्ट प्रोडक्ट सर्च सर्च करना करना हो, हो, किसी किसी भी भी टाइप टाइप की, की, फूड फूड की, की, आपका आपका ग्रोसरी ग्रोसरी की, की, आपका आपका क्लॉथ क्लॉथ की, की, या या किसी किसी भी भी कैटेगरी कैटेगरी की, की, मेडिसिन मेडिसिन वगैरह वगैरह सारी सारी चीजें चीजें आज आज मैं मैं सब सब दिखाने दिखाने वाला वाला हूं हूं आपको आपको कि कि किस किस तरीके तरीके से से ऑल ऑल इन इन वन वन मार्केट मार्केट प्लेस प्लेस का का फंडा, फंडा, मतलब मतलब सारी सारी जगह जगह सारी सारी चीजें चीजें एक एक ही ही जगह जगह कैसे कैसे पॉसिबल पॉसिबल हो हो सकता सकता है। है। यानी यानी अगर अगर आप आप सारी सारी चीजें चीजें चाहते चाहते हैं हैं तो तो भी भी पॉसिबल पॉसिबल है, है, अगर अगर आप आप सिंगल सिंगल चीजें चीजें चाहते चाहते हैं हैं तो तो भी भी पॉसिबल पॉसिबल है। है। इसका इसका सर्च सर्च बड़ा 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 खूबसूरत खूबसूरत है। है। आप आप अगर अगर डायरेक्ट डायरेक्ट कोई कोई पिक पिक है है आपके आपके पास पास या या डायरेक्ट डायरेक्ट आप आप पिक पिक कोई कोई अपलोड अपलोड करना करना चाहते चाहते हैं हैं तो तो डायरेक्ट डायरेक्ट पिक पिक भी भी अपलोड अपलोड कर कर सकते सकते हैं हैं और और उसके उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग वो वो प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स सर्च सर्च कर कर सकते सकते हैं। हैं। जैसे जैसे मेरे मेरे सामने सामने मिरर मिरर रखा रखा हुआ हुआ है, है, अगर अगर मैं मैं मिरर को मैं ये ये करता करता हूँ हूँ कि कि पिक पिक करता करता हूँ हूँ तो तो देखता देखता हूँ हूँ कि कि मिरर मिरर ये ये आ आ रहा रहा है है या या नहीं नहीं आ आ रहा रहा है। है। यहाँ यहाँ पे पे जैसे जैसे इस इस तरह तरह से से आप आप स्कैन स्कैन करके करके भी भी प्रोडक्ट प्रोडक्ट को को स्कैन स्कैन करके करके देख देख सकते सकते हैं हैं कि कि ये ये प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स इसमें इसमें अवेलेबल अवेलेबल है है या या नहीं नहीं है। है।
खत्म नहीं होने वाला। इसके अलावा यहाँ पे कैटेगरीज है, कैटेगरीज का जो लेआउट है बड़ा खूबसूरत सा है। देखिए कितना खूबसूरत सा कैटेगरी का लेआउट है। आप किसी पे भी क्लिक करें, उसके जैसे फैशन पे क्लिक करने के बाद आपको इसमें बहुत सारी चीजें मिल जाती है। फैशन के अंदर जो सब कैटेगरीज वगैरह है, ज्वेलरीज है, टॉयज है, कुछ भी किसी भी टाइप की आप कैटेगरी रखना चाहें, बेकरी है, आपका फूड्स है, ग्रोसरी है, फूड्स के अंदर ग्रोसरी के भी आइटम, देखे कितना ग्रोसरी का आइटम इसमें डला हुआ नहीं है, कैटेगरीज वगैरह इसमें डला हुआ, ठीक है। तो इस तरह के कुछ भी आइटम जो आप चाहते हैं वो सारी चीज आइटम्स वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और कोई भी डाल सकता है। ये वेंडर सिस्टम है, मल्टी वेंडर का सिस्टम से है, कोई भी डाल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बाय करना हो, प्रोडक्ट को शेयर करना हो, बिल्कुल सिंपल ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप प्रोडक्ट्स को भी शेयर कर सकते हैं। साथ साथ सेलर की अगर इन्फॉर्मेशन जानना हो कि ये कौन से सेलर के पास प्रोडक्ट्स है, नहीं है, वो भी जानना हो, वो भी आप जान सकते हैं। जैसे अगर आपको फाइंड करना हो कि कोई सेलर वाइज फाइंड करना हो तो आप स्टोर पर क्लिक कर दें। स्टोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कुछ अगर पार्टिकुलर किसी स्टोर पर अगर आपको बाय करनी हो तो आप किसी पार्टिकुलर स्टोर पर बाय कर सकते हैं, और ये जान सकते हैं कि उस पार्टिकुलर स्टोर के पास कितने तरह के प्रोडक्ट्स हैं और वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं वो डील करते हैं, राइट। ये देखें कि यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स पर क्लिक करने के बाद पता चल जाएगा जिनके पास जो है ये 16 प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिख रहा है, इनके प्रोडक्ट्स के रिव्यू क्या है, उनसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। अगर किसी टाइप से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप अपने यहाँ कांटेक्ट के फॉर्म डायरेक्ट सेलर से कॉन्टेक्ट करने के लिए डाल सकते हैं। इसके अलावा एक खास खूबसूरती वाली बात यह है कि डायरेक्ट आप सेलर को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। बड़ा खूबसूरत सा बटन है, रेडियो बटन है, देखते हैं कितना खूबसूरत सा बटन है, आपको सारी चीजें पॉसिबल है, ठीक है। ये बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन किया गया है, और इसमें डिज़ाइन करने बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन में इसमें टाइम लगा है, बट कोई नहीं कि हम आपके लिए कि बेटर से बेटर चीज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ये चीज़ मैं बताऊंगा आपको कैसे, अगर आप खुद भी करना चाह रहे हैं कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं, अगर आप एज ए डेवलपर हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, कहीं घबराने जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से भी अगर करना चाहें, अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हैं तो वो चीज़ें कर सकते हैं। यानी फ्लटर के बारे में आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हैं, एपीआई की के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं तो भी चीजें आप कर सकते हैं। इसके अलावा कार्ड बटन की है, उसका माय अकाउंट की है, माय अकाउंट में यहाँ पे जो फैसिलिटी है वो फैसिलिटी बड़ा जबरदस्त और खूबसूरत से ऑप्शन से है। इसमें वॉलेट सिस्टम भी है, अगर आपके पास वॉलेट में कोई बैलेंस वगैरह है, कोई वॉलेट में बैलेंस डालना चाह रहे हैं, रिफंड करना चाह रहे हैं, तो इस तरह से वॉलेट सिस्टम वगैरह का भी इसमें दिख जाएगा। ऐप को शेयर करना चाह रहे हैं वो ऐप शेयर कर सकते हैं, लॉगिन आप गूगल से भी कर सकते हैं, ये सारे का बहुत सारे इसके फीचर्स मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा जो कि किस तरीके से लॉगिन आप कर सकते हैं। तो चलिए हम एक प्रोडक्ट ये देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह के यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ये आपका होम कैटेगरीज वगैरह है। तो कैटेगरीज भी आप अपने हिसाब से बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, मल्टी डिफाइन कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहेंगे वैसा कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसा बैनर के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे जैसे कोई अगर मुझे सैंडल के अगर खरीदना हो तो हम सैंडल भी खरीद सकते हैं, क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कार्ड में आ चुका है ऑलरेडी। इसके अलावा कोई दूसरे प्रोडक्ट्स हम देखते हैं, दूसरे प्रोडक्ट से बैग ले लेते हैं, ये जैसे सैंपल के लिए डला हुआ है। यहाँ पे देखिए कलर्स आ गए, मल्टी कलर्स के तरह साइज आ गए, ठीक है। तो वो चीज़ भी देखी जा सकती है कि इस तरह के चीज़ों के कौन कौन सी चीज़ें हैं, नहीं है, और किस किस को हम ऐड करना चाहें वो आप ऐड आराम से इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम क्या ऐड टू कार्ड की, तो आप ऐड टू कार्ड यहाँ से भी जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कि ये आपका ऑप्शन है कि आपका कितने से कितने एक प्राइस एक फिल्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, वो फिल्ट्रेशन भी आप कर सकते हैं। जी हाँ, आप वो फिल्ट्रेशन भी आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसको लाइक करना हो तो लाइक के बटन पे दिल पे क्लिक करके इसको लाइक कर सकते हैं। किसी प्रोडक्ट को रिव्यू देना हो आप रिव्यू कर सकते हैं, या किसी कस्टमर के रिव्यू पर अगर रिव्यू देखना हो तो वो देख सकते हैं आप। इस तरह का आपका इंटरफेस आ जाएगा ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने के बाद। अगर आप इसको डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, कूपन अप्लाई करना है कूपन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप चेकआउट पर क्लिक कर सकते हैं। चेकआउट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह का अपना नाम आ जाएगा। आप अपना नाम या फुल एड्रेस वगैरह जो भी डालना है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और डाल के जो है अपना इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लवा भी नहीं है कि आपको कोई मगजमारी करने की जरूरत पड़े, ठीक है। ये अपना ये कंट्री, आप अगर किसी खास कंट्री के लिए चूज करना चाहते हैं
तो भी पॉसिबल, इतने लंबे चौड़े लिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ एक जो भी खास कंट्री है उस कंट्री को आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से स्टेट वगैरह ये भी चीज़ आप छोटा करना चाहें चेकआउट के फॉर्म को, वो भी कस्टमाइज़ करवा सकते हैं अपने हिसाब से, अपने एक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस तरीके से आप जो भी लोकेशन वगैरह है वो चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन जो है आपको मल्टी ऑप्शन मिल जाएगा, यानी अगर आप शिपिंग ऑप्शन इसमें मल्टी रखना चाह रहे हैं, लोकल पिकअप रखना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस शिपिंग ऑप्शन रखना चाह रहे हैं, इस तरह से मल्टी पेमेंट ऑप्शन रखना चाह रहे हैं, क्या कैश ऑन डिलीवरी, पेपाल, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट पेमेंट, जो भी करना चाह रहे हैं आप, सब पॉसिबल है। जैसे मैंने यहाँ पे वॉलेट पेमेंट रखा है, तो मेरे वॉलेट में 1000 रुपये ऑलरेडी पहले से था, तो यहाँ पर मेरा वॉलेट से यहाँ से कट जाएंगे और इसमें मेरा ऑर्डर जो देखे ऑर्डर प्रोसीड हो गया है, प्रोसेसिंग ऑर्डर हो गया, मैं इसमें कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ, ये ऑर्डर जो है कंप्लीट हो गया है। अब अगर हम इस ऑर्डर को देखना चाहें तो हम आराम से इसको ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये हमारे पास ऑर्डर की हिस्ट्री ये आ चुका है। यहाँ पे अगर आप बिलिंग चाह रहे हैं कि बिलिंग भी चीज़ें दिखाई जाए तो बिलिंग भी पॉसिबल है, ट्रैक करना चाह रहे हैं ट्रैक भी पॉसिबल है, इसके अलावा ड्राइवर से कॉन्टेक्ट करना चाह रहे हैं उससे भी वो भी पॉसिबल है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें को जो आपका इसमें आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से चेंजेस वगैरह करवा सकते हैं, लेकिन इसमें जो बाय डिफॉल्ट की चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वही चीज़ें रखी गई है, ठीक है। इसके अलावा सेटिंग पे जाएंगे तो आप अपने ऐप को लाइट मोड पे या फिर ब्लैक मोड पे, जिस भी मोड पे डालना चाहें आप डाल सकते हैं। देखिए ब्लैक मोड किसी को अगर यूज़ करना हो, जो ब्लैक मोड में मुझे यूज़ करना है तो वो ब्लैक मोड में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो उनके ऊपर उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो जिस तरीके से चाहे वो यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। ये जैसे देखिए ये आपका ब्लैक आ गया, इसमें क्या ब्लैकिंग ब्लैक ही पूरा दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। अब जैसा यूज़ करेंगे वो इस तरह का यूज़ कर सकते हैं आप, चाहे लाइट वेट यूज़ करें या इस तरह से ये यूज़ करें। तो ये एप्लीकेशन आपको एंड्रॉयड में iOS में दोनों चीज़ें एक साथ मिलने वाला है, और एक ही एक वन टाइम एक ही कोडिंग होगा और दोनों चीज़ें एक साथ होगी। क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि ये फ्लैटर बेस एप्लीकेशन है और फ्लैटर बेस एप्लीकेशन के लिए ऐसा सिस्टम होता है कि वहाँ पे के वन कोडिंग दोनों काम होता है, वन पंथ दो काज, जी हाँ। लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वन पंथ थ्री काज, यानी आपके वेबसाइट भी होंगे साथ साथ एंड्रॉयड भी होंगे iOS भी होंगे, जी हाँ, एक ही एडमिन पैनल रहेगा और इसकी जो खूबसूरती जो होगी ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ है, नेटिव परफॉर्मेंस ऐप होगी यूजिंग फ्लैटर का यूज़ करके ये किया जाएगा। इस तरह से अनलिमिटेड डिज़ाइन लेआउट कर सकते हैं आप, मल्टी लेआउट चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी जब नए नए ऑफर्स वगैरह के अकॉर्डिंग आप अपने डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। यूनिक जो है आप आइडिया लाला कि आप अपने नए कस्टमर के लिए, नए यूज़र के लिए नए ऑफर्स ला सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अपडेट डिज़ाइन को होगा या आप अपने डिज़ाइन को अपडेट कर सकते हैं एडमिन पैनल से। इसका इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि चाहे आप लेफ्ट लैंग्वेज यूज़ करें या राइट लैंग्वेज यूज़ करें, इट मीन्स कि अगर आप अरेबिक में हैं या बाहर की कंट्री में हैं, सऊदी में हैं, दुबई में हैं, कतर में हैं, या फिर इस तरह के जो बाहर के कंट्री में अगर वहाँ चाहते हैं कि अगर इस तरह की चीज़ें हम लॉन्च करें तो भी पॉसिबल है, ईजिली है, ये लेफ्ट एंड राइट दोनों लैंग्वेज में सपोर्ट करेगा, दोनों लैंग्वेज चीज़ें होंगी, यानी इंग्लिश, हिंदी, अरबिक, उर्दू, बंगाली, जो भी चीज़ें आप इसमें जिस भी तरह के लैंग्वेज चाहते हो पॉसिबल है। इस तरह से मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस, पेमेंट मेथड सपोर्टेबल है, चाहे आप किसी भी कंट्री के हो कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग पेमेंट गेटवे लगवा सकते हैं। इस तरह से लॉगिन जो होगा, लॉगिन सपोर्ट आपका गूगल से भी होगा, एप्पल से भी होगा, फेसबुक से भी होगा, SMS से भी होगा, OTP के थ्रू, SMS के थ्रू, इस तरह के भी लॉगिन हो सकता है, मोबाइल से भी लॉगिन हो सकता है, एज यूज जैसे आप चाहें उस तरह की चीज़ें पॉसिबल है। इस तरह से इजी कस्टमाइजेबल है, आप जैसे चाहें जब चाहें अगर कुछ कस्टमाइज करना चाह रहे हैं, अपने हिसाब से कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं तो भी पॉसिबल है। ये इंटरफेस है जो मैंने ऐप का आपको दिखाया, और यही चीज़ मैं आप देख लेता हूँ कि पूरे के ऐप का इंटरफेस किस तरीके से दिख सकता है, दिखेगा। तो ये वो चीज़ है कि जो का मैंने आपको दिखाया यहाँ पे। ऐप को अगर आपको लॉगिन करना हो तो इसका जो यूज़र आईडी पासवर्ड है, वेंडर, ठीक है, मैं वे ऐप का दोनों ऐप दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, चाहे एंड्रॉयड में यूज़ करना चाहें, iOS में यूज़ करना चाहें, आप सैम्पल ऐप यूज़ कर सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं जो ये किस तरीके से काम करता है। और ये सिंगल कोड बेस्ड है एंड्रॉइड एंड आईओएस के लिए, क्योंकि फ्लैटर का सिस्टम है और एक कोडिंग होगी, दोनों चीजों में काम करेगा। ठीक है, इस तरह से कि ये मल्टीपल ड्रॉवर डिजाइन है, आप अपने हिसाब से जिस हिसाब से डिजाइन करना चाहेंगे वो डिजाइन पॉसिबल है। यहाँ पे जो चीजें मैंने अभी आपको बताया कि लेफ्ट एंड राइट दोनों लैंग्वेज सपोर्टेबल है। इस तरह से मल्टीपल कैटेगरी डिजाइन है, किसी भी तरह की कैटेगरीज आप रखना चाहते हैं, ग्रोसरी के, आप इस तरह फूड के, आप बेकरी के प्रोडक्ट्स, अगर इस तरह से क्लॉथिंग वगैरह के किसी भी टाइप के जो प्रोडक्ट्स अगर रखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल रख सकते हैं। इस तरह से मल्टीपल प्रोडक्ट लिस्ट डिज़ाइन, आप अपने हिसाब से जिस तरह से प्रोडक्ट लिस्ट करना चाह रहे हैं, डिफरेंट कैटेगरी के डिफरेंट टाइप के चीज़ों वो भी कर सकते हैं, मल्टी करेंसी यूज़ कर सकते हैं, व्हाट एट अ टाइम आप डॉलर, INR, यूरो, जो भी करेंसी आपके यहाँ पे है, दिनार या दिरहम जो भी है, आप वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। मैं डार्क थीम के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया कि आप इसको लाइट वेट में भी यूज़ कर सकते हैं और डार्क वेट में भी यूज़ कर सकते हैं। तरह से ये क्या नाम है, इसके जो विजिट्स वगैरह हैं अपने हिसाब से कस्टमाइजेबल है, कुछ भी आप इसमें एडिट करना चाह रहे हैं वो सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं। सपोर्ट्स 99% ऑफ द पेमेंट गेटवे, पेमेंट गेटवे के अंदर आपको सपोर्टेबल के भी प्रोवाइड किया जा सकता है, क्या कोई भी दिक्कत आ रही है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, UPI, ये सारी चीजों के आपको सपोर्ट करेंगे, किस तरह सेटअप करेंगे, नहीं करेंगे, कैसे काम करेगा। इस तरह ये आपका पे मनी का भी सेटअप है, स्ट्राइप का सेटअप है, पेपाल का सेटअप है, राउजर पे का है, कुछ भी जो भी पेमेंट गेटवे आप चाहते हैं, आप अपने कंट्री का भी कोई पेमेंट गेटवे चाहते हैं वो भी चीजें पॉसिबल है। यानी अगर आप सऊदी से हैं, दुबई से हैं, तो वहां पे मादा चलता है, सऊदी में मादा वगैरह का चलता है, उर्वे नाम करके एक सऊदी में का पेमेंट गेटवे चलता है, वो भी कई चीज़ें आराम से इसमें किया जा सकता है। इस तरह से क्रिएट 100 ऑफ होम स्क्रीन फ्रॉम एडमिन पैनल, आप एडमिन पैनल से लॉट ऑफ होम स्क्रीन यूज कर सकते हैं, बिल्कुल इजी टू कस्टमाइज है, आप जिस तरह के चाहें उस तरह के आप होम पेज, नए नए ऑफर्स, नए नए कैटेगरीज, नए नए चीज़ें ला के होम पेज में दिखा सकते हैं। तो है ना, एक अमेजिंग चीज़ है और ज़बरदस्त चीज़ है। ये तो बात हो गई सिर्फ आपकी मोबाइल ऐप की, बट अगर आप बात कर रहे हैं वेबसाइट की, तो इसको वेबसाइट भी मल्टीपल टेम्पलेट्स के अकॉर्डिंग है, आप अपने हिसाब से जो भी चाहें, जिस तरह के मल्टीपल टेम्पलेट हैं आप वो यूज कर सकते हैं या फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी कवर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे आपके मैं ग्रोसरी के लिए दिखा रहा हूँ, इस तरह फर्नीचर के लिए दिखा रहा हूँ, इस तरह से बेकरी के लिए दिखा रहा हूँ, आपको मल्टीपल कैटेगरीज के लिए मल्टीपल टाइप से डिजाइन कर सकते हैं और वो चीज उस हिसाब से दिखा सकते। जैसे ये देखिए, ये कितना खूबसूरत सा ये ग्रोसरी का डिजाइन है, ये ग्रोसरी का डिज़ाइन इस तरह से आ गया है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बहुत लोगों ने मुझे सवाल किया कि वर्डप्रेस में किस तरह से लोकेशन लगा जा सकता है, लोकेशन लगा जा सकता है, इसके बारे में मैंने कभी आप लोगों से बात नहीं किया है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सवाल किया इसके बारे में, लेकिन देखिए ये भी चीज़ पॉसिबल है कि अगर आपको लोकेशन लगाना हो लुक लाइक, जैसे कि ये देखें आप ऐप वेबसाइट में एंट्री करते ही आपको सबसे पहले लोकेशन चूज़ करने का परमिशन दे रहा है, यहाँ पर लोकेशन चूज़ करना है, उसके बाद आपको पिन कोड डालना है, फिर पिन कोड के अकॉर्डिंग अंदर जा सकते हैं। तो इस तरह की भी चीजें बिल्कुल इजीली पॉसिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आप अगर डिजाइन की बात कर लें तो ये देखें कि ये इस तरह के डिजाइन अपना फर्नीचर का लगा सकते हैं, खूबसूरत सा ये कैटेगरी का लेआउट है। यहाँ पे आपका सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन भी डाल सकते हैं, देखें कितना खूबसूरत सा लेआउट है, इसको अगर आप अपने हिसाब से इसको चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपका मेडिसिन वगैरह के अगर करना चाह रहे हैं तो मेडिसिन की पॉसिबल है, इसका बेकरी का चीज करना चाह रहे हैं बेकरी का पॉसिबल है, जिस भी तरह से डिजाइन करना चाह रहे सारे कस्टमाइजेबल है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से जिस तरह के चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। ये मेडिसिन के हैं, टीथ वगैरह के जो भी चीज मेडिसिन के तौर पर यूज किया जाता है, दवाइयों के तौर पर, कि इसका सिंपल ऑप्शन है कि आपका ऑर्डर होगा, ऑर्डर रेडी हो जाएगा, पैकिंग होगा और आपके पास पहुंच जाएगा। सिर्फ चार स्टेप में आपके पास ऑर्डर पहुंच जाएगा, यानी कस्टमर तक ऑर्डर पहुंच जाएगा, बिल्कुल इजी स्टेप है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे
एक दूसरा एक होम अप्लायंसेस के बारे में, अगर आप मल्टी कैटेगरी मल्टी डिजाइन अगर आप चाहते हैं तो हर एक की तरह डिजाइन हो सकता है, सब पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे कि आप इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स की बात करें, गैजेट्स की बात कर लें तो गैजेट्स भी इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, ला सकते हैं, दिखा सकते हैं। ये किस तरीके से देखें तो खूबसूरत सा एड टू कार्ड का ऑप्शन है कि आप इस एड टू कार्ड को क्लिक करें, आपको अंदर जाने कोई जरूरत नहीं है, यहीं पर सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसमें चेकआउट का ऑप्शन देखेंगे तो चेकआउट भी बड़ा खूबसूरत सा है। इस तरह अगर मैं बात कर लेता हूं ग्रोसरी की, तो ग्रोसरी का भी देखें एक ही चीज है, डिजाइन अलग अलग है और सब में डिजाइन अलग अलग रखा गया है ताकि जो भी जिसको जैसा पसंद है वो चीजें पॉसिबल है। ठीक है, ये मैंने ग्रोसरी की चीजें कुछ मैं देख रहा हूं। अगर फिर एड टू कार्ट कर रहा हूं, इसका एड टू कार्ट बड़ा सिंपल ऑप्शन है, सिर्फ 3 स्टेप के अंदर अंदर आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप प्रोडक्ट चूज कीजिए, सेकंड स्टेप उसको चेकआउट पे लेके जाइए और उसके बाद अपना एड्रेस डालिए। एड्रेस डालते ही आपका यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नोट्स वगैरह करने के लिए कुछ डिफरेंट एड्रेस में जाएं, कोई अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट का सेक्शन चूज करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ फिलहाल अभी कैश ऑन डिलीवरी है, आप जो चाहें जैसा चाहें वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी हाँ, इस तरीके से ऑर्डर आ गया और ऑर्डर बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया। अब अगर आप इसका चाहते हैं कि डिलीवरी बॉय किस तरीके से मैनेज करे इसका, तो डिलीवरी बॉय भी मैनेज आराम से किया जा सकता है। और इसको बिल में निकालना चाहे, पीडीएफ बिल निकालना चाह रहे हैं या ऑटोमेटिकली पीडीएफ बिल निकल सकता है। इसके अलावा आप चाह रहे हैं कि इसमें क्या, जब कोई कस्टमर का जब ऑर्डर करे तो उनके पास मेल पहुंच जाए, एसएमएस मिल जाए, सब चीज पॉसिबल है। तो अब मैं बात कर रहा हूं इसके बैकएंड की, जो बैकएंड किस तरीके से काम करेगा, ऑर्डर देने के बाद डिलीवरी बॉय किस तरीके से काम करे। जैसे कि ये ऑर्डर आया हुआ है, इस ऑर्डर को अगर हम चाहेंगे इसको असाइन करना है डिलीवरी बॉय तक ले जाना है, फिर डिलीवरी बॉय को किस तरह से मिलेगा, जैसे सेम एज इट इज उसी तरीके से डिलीवरी बॉय को मिलेगा जैसे आप जोमेटो का रहता है। और इस तरह से बिल भेजना हो बिल भेज सकते हैं, ये ऑर्डर के मेल भेजना हो कस्टमर को आप मेल भेज सकते हैं, इनवॉइस भेजना हो इनवॉइस भेज सकते हैं, इनवॉइस अपडेट करना चाह रहे हैं, टाइम अपडेट करना चाह रहे हैं, टाइम स्लॉट डालना चाह रहे हैं, पिकअप ऑप्शन डालना चाह रहे हैं, कुछ भी जो भी चीज आप चाहते हैं वो चीजें सब पॉसिबल है। और ये इस तरीके से आपको दिख जाएगा इसका बिल, जो है बिल बड़ा खूबसूरत सा बिल है। आप इसमें पैकिंग स्लिप निकालना चाह रहे हैं वो भी पैकिंग स्लिप भी निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्डर आएगा। हाँ, इसको जब मैं बात कर रहा था कि असाइन करना है डिलीवरी बॉय के लिए, तो डिलीवरी बॉय के लिए असाइन आप कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे प्रोसीड है तो यहाँ पे ड्राइवर असाइन, यहाँ पे ड्राइवर असाइंस पे करें क्लिक करेंगे, उसके बाद इसको अपडेट कर देंगे तो ये प्रोडक्ट ड्राइवर असाइन के हिसाब चला जाएगा। ये आपका इस तरह से बिल आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना लोगो मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर जो लोगो हैं ये लोगो आप मेंशन कर सकते हैं। इस तरह की चीजें क्या आप आराम से इजीली कर सकते हैं। जी हाँ, अब यही प्रोडक्ट ऑर्डर चला गया ड्राइवर के पास, फिर ड्राइवर का जब देखेगा कहाँ मेरे पास ऑर्डर आया हुआ है, फिर उसको अब वो ड्राइवर जो पहुंचा देगा। ड्राइवर का स्टेप बिल्कुल इजी है कि वो प्रोडक्ट रिसीव करेगा और डायरेक्ट जो सेलर होगा सेलर से कॉल करेगा, कॉल करके वो प्रोडक्ट रिसीव कर सकता है। यहाँ पे देखे ड्राइवर स्टेटस, इन्होंने लिखा कि आसान हो गया है। और ड्राइवर कौन है, ड्राइवर का नाम के अकॉर्डिंग भी एक साथ आप 5-6 ड्राइवर आप मैनेज कर सकते हैं। ड्राइवर कैसे ऐड करेंगे, किस तरह से ऐड करेंगे, बिल्कुल सिंपल ऑप्शन है कि आप यूजर में जाए और यूजर में जाकर ड्राइवर का ऑप्शन डाल दें। यहाँ पे कुछ भी जो भी आपका ड्राइवर है ड्राइवर डाल सकते हैं। कोई होलसेल प्राइस के अकॉर्डिंग अगर कोई होलसेल रेट चाहता है तो होलसेल रेट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ ड्राइवर की चीजों को मेंशन करना है। ठीक है, किसी का आपको कोई होलसेल कस्टमर है, होलसेल कस्टमर को मैनेज करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। स्टोर है आपका, मल्टी स्टोर है, आप मल्टी स्टोर मैनेज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, डिफरेंट स्टोर मैनेज कर सकते हैं, डिफरेंट एरिया के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्टोर मैनेज कर सकते हैं। जी हाँ, इसके बाद का आप इसकी जो बात कर ले तो इसके बहुत सारी के इसके फुल डिटेल मैंने अभी के नेक्स्ट वीडियो में मैंने डाला था। यहाँ पे जो B2B एंड B2C किस तरीके से काम करेगा जैसे मैंने ऑलरेडी मैं डाल रखा हूँ। आप में इस वीडियो का लिंक भी मैं भी नीचे दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ चीजें बताई जैसे होलसेल प्राइस की, या अगर B2B का कॉन्सेप्ट है, अगर आप सिंगल वेंडर यूज करते हैं साथ साथ वहाँ पे सिंगल वेंडर के साथ साथ आप होलसेल प्राइस भी रखना चाहते हैं तो भी पॉसिबल है। आप होलसेल प्राइस भी डिस्प्ले कर सकते हैं और वो कस्टमर को दिखा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इजीली होलसेल प्राइस वगैरह दिखा सकते हैं। प्रोडक्ट अपलोड करना हो तो प्रोडक्ट अपलोड आप यहाँ से कर सकते हैं।
प्रोडक्ट को मैनेज करना हो, कैटेगरी अगर देखना हो, तो ये सारी चीज़ें इसमें पॉसिबल है। मैंने इसकी फुल डिटेल मैंने कही इस वीडियो में ऑलरेडी डाल रखा हूँ। ये वीडियो अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेना हो तो किस तरीके से मैनेज करें, कैसे चले, काम करेगा, ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो है ना दोस्तों कमाल, ये कितनी खूबसूरती के साथ एक साथ ही एक ही पैनल से तीनों काम हो जाएगा, वेबसाइट, एंड्रॉयड ऐप, इसके अलावा आप एप्पल का ऐप। जी हाँ, तीनों चीजें एक साथ होगा और तीनों चीजों के लिए कोई आपको ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। एक ही पैनल से तीनों काम करेगा और साथ साथ इन चीजों के अलावा भी आप व्हाट्सएप से भी ऑर्डर ले सकते हैं, जो आज के डेट में बहुत इंटरेस्ट चीजें हैं और बहुत ज्यादा बेनिफिट की चीजें हैं। जैसे व्हाट्सएप से कैसे ऑर्डर लेंगे, इसका सैंपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपके सिंगल वेंडर की वेबसाइट है, आप व्हाट्सएप से ऑर्डर लेना चाह रहे हैं, इंक्वायरी लेना चाह रहे हैं, तो व्हाट्सएप से भी ऑर्डर ले सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं। उसमें कोई रेट लिमिटेशन टाइम ऑफर रखना चाह रहे हैं, लिमिटेशन टाइम ऑफर रख सकते हैं, किसी खास प्रोडक्ट पे ऑफर रखना हो वो रख सकते हैं। इसके अलावा आपके जो कस्टमर्स हैं, वो कस्टमर एजेक्ट सर्च के अकॉर्डिंग यूज करना चाह रहा है वो कर सकते हैं। ये देखें व्हाट्सएप के नीड हेल्प व्हाट्सएप के यहाँ पे ऑर्डर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, करता है। जिस टाइप से भी आपको चाहिए वो चीजें पॉसिबल है, की जा सकती है। ठीक है, तो है ना दोस्तों कमाल कि एक ही साथ एक ही जगह आपको सारी चीजें मिलने वाली है। तो अगर आप इस तरह की चीजें बनाना चाहते हैं तो आप ये खुद भी बना सकते हैं। अगर आप फ्लैटर का डेवलपर हैं तो आप यहां से इसको कोड बाय करके, कोड परचेज करके आप आराम से कर सकते हैं। या फिर आप हमसे बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करके हमसे बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, इसमें बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें की रिक्वायरमेंट आ सकती है कि गूगल API की नॉलेज होनी ज़रूरी है। इस तरह से ई-कॉमर्स की API को सेटअप करने के लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ये चीज़ें आप इजीली आराम से कर सकते हैं और चीज़ें पॉसिबल है। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, खुदा हाफिज़।